बचपन से देखे थे पति पत्नी के झगड़े, उम्र बढ़ी और निर्णय लिया कि नहीं करूंगी शादी। समाज ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को पति मान लिया। ठाकुर जी संग पूजा की शादी की सारी रस्में निभाई गई, मां ने किया कन्यादान। ऐसी अनोखी शादी जिसमें ठाकुर जी के साथ सात फेरे भी लिए पूजा ने। 23 साल की पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये शादी 8 दिसंबर को हुई। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती हैं और ठाकुर जी मंदिर में पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती हैं, उनके लिए पोशाक बनाती हैं और शाम को दर्शन के लिए जाती हैं। पूजा की कुंडली में ना कोई दोष है और ना ही उन्होंने कोई मनोती मांगी, फिर पूजा ने ये शादी क्यों की? आइए जानते हैं पूरी कहानी पूजा की जुबानी। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरे घर में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। अक्सर रिश्ते आते रहते थे। लोग मेरे मम्मी पापा को कहने लगे थे कि बेटी की अब तो शादी कर दो, लेकिन मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने बचपन से ही देखा है कि बेहद मामूली बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते थे। विवादों में उनकी जिंदगी खराब हो जाती थी और इनमें महिलाओं को बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता था। बड़े होते होते मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। कॉलेज करने के बाद से ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मम्मी पापा भी जान पहचान वालों से कहते कि कोई अच्छा लड़का हो तो इसके लिए बताना। घर में इस तरह की बातें होने लगी कि बेटी है, बड़ी हो गई है, कब तक कुंवारी रखोगे, अब शादी कर दो। इन बातों से मैं परेशान होने लगी। मैं मम्मी पापा को बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वे यही कहते कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो शादी करनी ही होगी। बीच में कुछ लड़के वाले देखने भी आए। एक दो बार तो रिश्ता जैसे तैसे टल गया, लेकिन जब बार बार लड़के देखने आने लगे तो आखिर में मैंने देखने आने वालों को ही हाथ जोड़कर मना कर दिया और मेरी इच्छा बता दी। मैंने तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था, एक बार अपने ननिहाल में देखा भी था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसा जी से विवाह कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती ठाकुर जी से विवाह। मैंने इसके बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा ऐसा हो सकता है। इसके बाद माँ से बात की। शुरू में तो वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वो नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए। समाज में भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं ये विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया है। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है, भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए मैं भी अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से एमए हैं। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर हैं और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। मां रतन कंवर गृहिणी हैं। 3 छोटे भाई हैं, अंशुमन सिंह, युवराज और शिवराज। तीनों कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठाकुर जी से विवाह का फैसला उनका खुद का था। शुरू में समाज, रिश्तेदार और परिवार के लोग इस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन फिर माँ ने जरूर बेटी की इच्छा का सम्मान कर सहमति दे दी थी। पिता ना पहले राजी थे और ना ही आज, इसलिए शादी में भी नहीं आए। सारी रस्में माँ ने ही पूरी की। मीडिया ने जब उनसे इस तरह की शादी के बारे में पूछा तो बोलते बोलते उनकी आंख भर आई। पापा नहीं आए, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस शादी से मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि घर परिवार समाज में जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने ताने मारने शुरू किए तो कुमारी ना कहलाऊं, इसलिए ये निर्णय लिया।
पूजा सिंह की शादी में उसकी सहेलियां और रिश्तेदार भी शामिल हुए। करीब 300 लोगों के लिए भोजन बनाया गया। इसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए। शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक की रस्में धूमधाम से हुई। सहेलियों ने पूजा को सजाया संवारा। उसने सहेलियों के साथ डांस भी किया। घर में रोजाना मंगल गीत गाए गए। शादी में परंपरा अनुसार दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में ये परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने अपनी मांग भी सिंदूर की बजाय चंदन से भरी। पूजा सिंह और ठाकुर जी का ये विवाह सभी रीति रिवाजों से हुआ। बकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में हुई। ठाकुर जी को दूल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जोहारी के 11,000 रुपए दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक दी गई। पूजा सिंह बताती हैं कि अब कोई मुझे ये ताना नहीं मार सकता है कि इतनी बड़ी होकर भी कुंवारी बैठी है। मैंने भगवान को ही पति बना लिया है। शादी के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जबकि पूजा अपने घर पर रहती हैं। अपने कमरे में पूजा ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, जिसमें ठाकुर जी हैं। वे उनके सामने अब जमीन पर ही सोती हैं। रोजाना सवेरे 7 बजे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के लिए वे भोग बनाकर ले जाती हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह वह शाम को भी मंदिर जाती हैं। ये शादी केवल परंपराओं से नहीं जुड़ी थी, बल्कि इसमें भावुकताएं भी थीं। फेरों के बाद विदाई की रस्म भी हुई। हालांकि पूजा सिंह को अपने घर ही रहना था, लेकिन इस रस्म के दौरान पूजा सिंह की आंखें भर आईं। शादी में मौजूद अन्य लोग भी भावुक हो गए। पूजा ने अपने घर की दहलीज पर धोख लगाई और विदा हुई। बाद में ठाकुर जी को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूजा सिंह का ये निर्णय और इस शादी को सभी ने संघर्ष मान लिया हो। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। शादी के बाद भी कई लोग पूजा का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वे बताती हैं कि मैंने जो कुछ दूसरे के वैवाहिक जीवन में देखा है, उससे ये निर्णय लिया। अब मेरा मन शांत रहता है। जहाँ तक पापा की नाराजगी का सवाल है तो उन्हें भी मना लूंगी। मेरी संगीत में रुचि है, अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी। आचार्य राकेश कुमार शास्त्री ने बताया कि भगवान विष्णु शालिग्राम जी से कन्या का विवाह शास्त्रोक्त है। जिस तरह से वृंदा तुलसी ने विष्णु भगवान का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से विवाह किया है, ये ठीक वैसे ही है। पहले भी ऐसे विवाह होते आए हैं। कर्मठ गुरु पुस्तक में विवरण श्रेष्ठ संख्या 75 पर दिया गया है। विष्णु भगवान से कन्या वरण कर सकती है। तुलसी विवाह भी इसी प्रकार का पर्याय है। रिपोर्ट एक्सेस भारत। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूं। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समझाया गया मुझे कि किसी लड़की से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है, इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी करूँ।